हैं, जिसका नंबर पूरी डिटेल आपको दूंगा मैं। बुल नंबर M466 HLDB का काफ़ी फेमस बुल है, और कई भाइयों की डिमांड थी पिछले कई दिनों से, भाई भाई आप वीडियो लेके आओ M466 बुल की, तो आपके लिए लेके आए हैं। एक बार इसकी मैं पूरी डिटेल आपको बता देता हूँ। इसके जो रिकॉर्ड है, इसका नंबर है M466 बाप, इसका PC 1077 है, HLDB गुड़गांव का। माँ का नंबर इसका M144 है, और इसकी जो जन्म तिथि है वो 14 अगस्त 2015 है, और इसकी माँ का दूध 1 दिन का 23 किलो से ऊपर बताया गया है, और जो इसकी माँ का पूरे ब्यांत का दूध है वो 4610 किलोग्राम है, इसकी माँ ने दूध दिया है। और ये HLDB का जो बुल है PC 1077, उसका बेटा है, गुड़गांव सिमन बैंक का बुल है वो, और उसकी प्रोजनी बहुत बढ़िया आई है। मैंने जो टियाँ दिखाई थी उस बुल की आपको, और काफ़ी अच्छी ब्यूटी की और हाइट लेंथ की काफ़ी अच्छी आती है, आर्डर बहुत बढ़िया आते हैं उन जोटियों के भी। और बुल की आप ब्यूटी देखिए, इसके जो बच्चे आए हैं लगभग मोस्टली जेट ब्लैक आते हैं, बुल भी जेट ब्लैक है, हाइट लेंथ पीठ पूरा बहुत बढ़िया है बुल का काफ़ी, और ब्यूटी बहुत है, सींग बहुत अच्छा है, हाइट लेंथ है अच्छी, मतलब क्वालिटी के बच्चे आते हैं बुल के। उम्मीद है वह बच्चे जो आएंगे इसके आगे मिल्किंग में आएंगे तब दूध पे, तब अच्छे ही आएंगे, और जैसे भी आएंगे जो हमारे फ्रेंड सर्कल में इसकी कटड़ियाँ आई हैं उनकी आपको वीडियो भी दिखाएंगे। और आगे जब वो तैयार हो जाएगी उनका, कोशिश करेंगे आपको दूध भी दिखाने की कि रिजल्ट कैसा रहा इस बुल का। और काफ़ी अच्छा बुल है, चर्चित बुल है किसान भाइयों में, जो ब्रीडर भाई हैं मतलब आम पशुपालक भाई हैं जो जानते हैं HLDB को, काफ़ी भाइयों ने सीमन का प्रयोग किया है इस बुल के सीमन का, और बहुत अच्छा बुल है। टेस्टिकल की क्वालिटी आप देखिए बहुत अच्छे हैं, और पीठ पुड़े की पुट्ठा देखिए बुल का बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का है, और मोस्टली जो इसकी संभावना है बच्चे आने की दूध पे वो अच्छे ही आएंगे। हमारे गांव में भी इसका सिमन आया था सरकारी अस्पताल में, और एक बुल के पीछे भाग के आप कभी भी ना भागें, एक बुल के सिमन के पीछे, क्योंकि फिर हम ही लोग उसको ज़्यादा वो करते हैं फेमस। सभी बुल बहुत अच्छे हैं HLDB के, और जो अस्पताल में अपने सीमन आता है सबसे अच्छा वो है। आप पशु की, कई भाई कहते हैं पशु ठहरता नहीं सीमन रखवाने से, एक बार आप एक साथ में दो सीमन रखवाते हो ऐसा मत किया करो, लगातार 2-3 दिन तक लगातार पशु को सीमन रखवाओ, क्योंकि जो खान पान है पशुओं का वो थोड़ा चेंज हो गया है, खनिज मिश्रण की कमी होगी पशुओं में, प्रोटीन की कई मतलब दिक्कत आती रहती है, तो आप लगातार 2-3 दिन AI करवाओ। सरकारी अस्पताल में भी सीमन आते हैं, इन्हीं बुलों जैसों के सीमन आते हैं, जैसे M466 के और हो गए, बहुत अच्छे अच्छे बुल है, और M466 भी बहुत अच्छा बुल है, अच्छे रिकॉर्ड का। ये फोटो इसका पहले का है, तब वो बच्चा था लगभग 3 साल का, ये फोटो पिछले साल का है, बहुत अच्छा है पीठ पुड़े का, बहुत अच्छी क्वालिटी का बुल है। कमेंट करके आप भाई भी बताएंगे कैसा लगा आपको, और ब्यूटी का मतलब 100 का जोड़ अगर बोल लें तो सारी मिल्क ब्यूटी का दोनों का बुल है, बहुत अच्छा, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं भाई इसकी जोटियाँ 25 किलो दूध दे देगी, बाकी कुदरत के हाथ में 5 देगी, 15 देगी, 25 देगी, सब भाइयों के सामने रहेगा, छुपा हुआ तो कुछ भी नहीं रहता। और ये इसके कुछ बच्चे हैं बुल के जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, कुछ कटड़े कुछ कटड़ी, मतलब वो बच्चे मोस्टली इसके जेट ब्लैक आते हैं, कुछ बच्चों की पूंछ ही वाइट आती है, और पीठ पूरे के बहुत अच्छे आते हैं बच्चे। कमेंट करके आप बताना कैसे लगे आपको वीडियो आज M466 बुल की, और एक बार फिर से कहता हूँ वीडियो को आप शेयर करो अपने मित्रों के साथ, हाँ और किसान भाइयों के साथ, उनको भी दिखाओ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए, बने रहिए हमारे साथ।